वश्यम से व दुहाहा, कसम है सूरज की और कसम है उसकी चमक और रोशनी की। जो चीज़ें इंसानियत को उजाला बख्शें, रोशनियाँ दें, वो चीज़ें इस काबिल होती हैं कि उनकी कसम की जाए। वल कमर इज़ा तलाहा, और चाँद की कसम जो उसके पीछे निकले। ये तो दुनिया मानती है कि जो सूरज है इसकी रोशनी अपनी है जो अल्लाह ने उसको अता की, लेकिन चाँद पर अक्स पड़ता है सूरज का जिसकी वजह से वो मुनव्वर होता है। तो जो किसी रोशन चीज़ का अक्स कबूल कर लें और फिर उस अक्स से मुनअक्स होके आगे रोशनियाँ बांटने लग जाएं, वो भी इस काबिल होते हैं कि उनकी भी कसम की जाए। वरना दिए तले अंधेरा रहता है, रोशनियों के पास रहकर भी कुछ लोग महरूम रहते हैं। लेकिन ये अदा हमने चांद से सीखनी होगी कि वो दूर रह करके भी सूरज के अक्स को कबूल करता है, और उस अक्स को कबूल करने की वजह से वो हर दिल अजीज है। तो कहा कि कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे आए। आगे चलने की सआदत अगी को किसी को मिल जाए, इमामत का मनसब अगर किसी के पास हो, क़यादत अगर किसी को अता कर दी जाए, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन पीछे चलने की सलाहियत भी बड़ी सलाहियत होती है। कुछ लोग होते हैं कि ना बेचारे आगे चलने के लायक होते हैं ना पीछे चलने के लायक होते हैं। वो हमारे एक बुज़ुर्ग थे, तो फरमाया करते थे किसी शख्स के बारे में कि इसको आगे लगाएं तो आगे से भाग जाता है, पीछे लगाएं तो पीछे से भाग जाता है। तो किसी के पीछे चलना और किसी से रोशनी लेना और किसी से फैज़ पाना, ये भी एक सलाहियत होती है। तो रोशनी जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए। ये नहीं कहें कि ये मैं यहाँ से क्यों लूँ, जहाँ से रोशनी मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए। हज़रत लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि तूने दानिशमंदी कहाँ से सीखी, तो कहा बेवकूफ़ों से। कहा वो कैसे? कहा जब कोई ऐसा काम करते जिस पर उन्हें मलामत सहना पड़ती तो मैं इरादा करता कि ये काम ज़िंदगी में नहीं करूँगा, इस पर मलामत और नफरीन का सामना करना पड़ता है। तो सीखने वाले सीख लेते हैं, ना सीखने वाले जो है वो रोशनियों के हिसार में भी अंधेरों में रहते हैं, और सीखने वाले जुल्मतों से भी सुराग़ ज़िंदगी तलाश कर लेते हैं। आपने देखा है कि ये जो भीड़ होती है, ये फूल पे भी बैठे तो वहाँ से रस निचोड़े, या किसी फल पे बैठ के मीठा रस निचोड़े तो उसको जहर बना लेता है, जिसको फिर डंग लगाता है उसका फिर हाल बुरा हो जाता है। और शहद की मक्खी को आपने देखा हो कि कड़वा रस चूसे उसको भी शहद बना लेती है। तो मिजाज अपना अगर अच्छा हो तो फिर जो है वो बेहतरियों की तरफ इंसान रागब हो जाता है, लेकिन अगर मिजाज का माड़ा शख्स हो तो फिर उसे शिकायत ही रहती है कि मुझे कोई मिला नहीं है, मुझे कोई मिला नहीं, सारी ज़िंदगी वो यही कहता है। जबकि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस कायनात को खैर से महरूम नहीं रखा।